राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। रूस ने यूक्रेन में बच्चों के एक अस्पताल में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और 170 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक यह हमला सोमवार को कीव में हुआ। इसके बाद अस्पताल से 600 से ज्यादा मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हमले के कुछ ही देर बाद अस्पताल की इमारत गिर गई। पुलिस ने बताया कि 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी घायलों का इलाज किया जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला ऐसे समय में किया गया जब अस्पताल में भीड़ ज्यादा थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को इस घटना पर विशेष बैठक बुलाई। इससे पहले जेलेंस्की ने भी बदला लेने के लिए देश के सैन्य अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोग मलबे को हटाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक मलबे में अभी भी कई सारे लोग दबे हैं। हमला इतना बड़ा था कि आसपास की 100 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ है। यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि उसने 38 में से 30 रूसी मिसाइल को मार गिराया था। ये अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।